मलिका, तेरा हस्बैंड तो द को फ बोलता है। द को फ? हाँ, नहीं तो पता नहीं वो क्यों बोल रहा था। वो तुझे अपनी आदत बनाना चाहता था, लेकिन तू उसके लिए आफत बन गई है। It is so funny seeing और इतना था हैंडल द कैमरा। सुनो, इस बार शादी कर लो, ठीक है? क्यों? इस बार सिर्फ 50 लोग में मामला निपट जाएगा, खर्चा कम। उस हिसाब से तो आपको मर जाना चाहिए, उसमें तो सिर्फ 20 लोग ही अलाउड है। प्रियंका, ये साल का बिगनिंग तुमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी हॉलिडे लिस्ट हम लोगों के पास में पहुंच ही जाता है। कुछ लोग आए हैं और इत्रदा आपको अवार्ड देने के लिए। कौन सा अवार्ड? वो बोल रहे हैं पूरी सर्दी में पूरे भारतवर्ष में आपसे ज्यादा पानी किसी भी आदमी ने नहीं बचाया है। ये ले। ये बोतल भी बचा ले। भाई, आपको तो घर वाले हर दिन सुबह 10 बजे तक आराम से सोने देते हैं। हाँ, मालूम इसके दो ही कारण है, मालूम क्या? एक, या तो आपकी सैलरी अच्छी है इसलिए वो लोग कुछ बोलते नहीं, दूसरा हो सकता है घर वालों का आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। दूसरा ए पूजा, तुझे फौजी याद है? हाँ, चित्रहार। हाँ, चंद्रकांता। अरे क्रूर से नुक्कड़। हाँ हाँ हाँ, सब याद है, खाली ऑफिस आना याद नहीं रहता ना तुझे। मैं खुद चित्रहार कर रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में तो पहली बार ही देख रहे हैं। Happy New Year! भाई, आपके ऊपर ना वो वाला वॉइस ओवर बिल्कुल फिट बैठता है। कौन सा वाला? ये वो प्राणी है जो जनवरी के महीने के अंत की तरफ गुफा में चले जाते हैं और सीधे मार्च में जब भीनी भीनी धूप आती है तब बाहर निकलते हैं। पूरी फेब्रुअरी गायब। फेब्रुअरी गायब। बॉबी, अच्छा हुआ तू आ गई। यहाँ कुछ दिन घर पे और रहती तो घर वाले तुझे देखते ही जपनाम बोलना शुरू कर देते। ये है लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑन वैलेंटाइंस डे और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप भाभी का बहुत ख्याल रखते हो यार। है ना, बहुत अच्छा, मतलब वेरी वेरी नाइस यार। ठीक है, मतलब बाल भी ऐसे रखे ना कि भाभी ऐसे पकड़े उसके बाद में देगी भी देगी भी देगी भी देगी भी। एंटी ग्रिप नो स्किट।